हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कस्टम बैकग्राउंड कैसे देते हैं, ओके, यानी कि बैकग्राउंड कैसे देते हैं और शेडो इफेक्ट कैसे देते हैं, ओके, यूआई में। तो काफी आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है, तो अब इस पे हम जो है बैकग्राउंड सेट करेंगे। ओके, तो पहले नॉर्मली बैकग्राउंड सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट टैब पे आ जाएंगे, ओके, और इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। इसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड आ जाएगा, ये रहा टेक्स्ट व्यू। अब यहां पे मैं पहले सिंपली बैकग्राउंड देता हूं, ओके, बैकग्राउंड, ओके, और यहां पे हम बैकग्राउंड दे देते हैं कलर प्राइमरी, ओके। तो आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं सिंपली बैकग्राउंड देता हूं तो यहां पे बैकग्राउंड तो फिल हो जाता है, लेकिन ये जो है एकदम पूरा का पूरा बॉक्स है, ओके। और इसको थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए हम चाहते हैं कि हमें जो है यहां पे थोड़े से कर्व नजर आए, ओके, हम जितने चाहे उतने कर्व दे सकते हैं, ओके, मतलब जितना रेडियस चाहे उतना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक कस्टम बैकग्राउंड बनाएंगे, ओके, और उसके बाद उसे जो है हम बैकग्राउंड में सेट करेंगे, ओके। तो यहां पे हम एक ऐसी बैकग्राउंड एक्सएमएल फाइल में एक ऐसा बैकग्राउंड बनाएंगे जिसमें जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड हुए, ओके। तो अब जो है हम एक कस्टम बैकग्राउंड बनाएंगे, ओके, ड्रॉएबल में। तो यहां से पहले बैकग्राउंड जो है, ओके, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ओके, डिजाइन टैब पे आ जाते हैं। और अब हम चलेंगे प्रोजेक्ट पे, ऐप में, रिसोर्स डायरेक्टरी में, और यहाँ पे जो ये ड्रॉएबल फोल्डर है, ड्रॉएबल पे आ जाएंगे और यहां से एक न्यू ड्रॉएबल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, ओके, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हम दे देंगे इसका नाम राउंड अंडरस्कोर बैकग्राउंड, ओके, राउंड बैकग्राउंड, ओके कर देते हैं, ओके। तो यहां पे हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहां पे हमें जो है पहले तो टेक्स्ट टैब में जाना है, ओके, यहां से टेक्स्ट टैब में जाना है और यहां पे जो ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर की जगह हमें कर देना है लेयर लिस्ट, ओके। सिलेक्टर का क्या यूज है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पे लेयर लिस्ट कर देंगे। लेयर लिस्ट का मतलब हम यहाँ पे जो है मल्टीपल लेयर जो है वो लेयर्स का यूज करके जो है अपना मन चाहे वैसा बैकग्राउंड हम क्रिएट कर सकते हैं, ओके, जो भी हमें डिजाइन क्रिएट करना वो क्रिएट कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे हमने लेयर लिस्ट जो है वो टैग लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें जो है हर आइटम्स जो है ऐड करने होते हैं, हम जितने चाहे उतने आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही आइटम ऐड करेंगे अभी, ओके। तो आइटम, आइटम मतलब कि एक लेयर होती है, ओके, तो आइटम, उसके बाद ये आइटम टैग, और उसके अंदर जो है हम शेप ऐड करेंगे, ओके, सबसे पहले शेप देना जरूरी होता है, तो शेप ऐड करेंगे, शेप, ओके, और उसके बाद एंड्रॉइड शेप। तो हम कौन सा शेप चाहते हैं, हम चाहते हैं रेक्टेंगल, ओके, ओवल मतलब सर्कल होता है और रिंग मतलब बॉर्डर वाला, ओके, सिर्फ बॉर्डर होती है, ओके, रिंग मतलब रिंग और लाइन मतलब तो आप समझते ही हैं, ओके, इतना तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये रेक्टेंगल हम सिलेक्ट करेंगे अभी, ओके, उसके बाद शेप को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज करेंगे। अब शेप के अंदर हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे सॉलिड, ओके, सॉलिड कलर देंगे हम, ओके, सॉलिड एंड्रॉइड कलर, और यहाँ पे हम जो है हमारा कलर दे देंगे हम जो देना चाहते हैं, तो कलर प्राइमरी, ओके, और अगर हम ग्रेडियंट देना चाहें तो हम ग्रेडियंट भी दे सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ग्रेडियंट कैसे देते हैं। सिंपली यहाँ पे जो है हमें ग्रेडियंट देना है, ओके, काम करते हैं, मैं वापस से ही जो है ग्रेडियंट बना देता हूँ, ओके। अगर ग्रेडियंट देना हो तो यहाँ पे ग्रेडियंट, ओके, उसके बाद स्टार्ट कलर, कलर प्राइमरी, ओके, उसके बाद सेंटर कलर, ओके, सेंटर कलर हम देना चाहते हैं कलर एक्सेंट, ओके, उसके बाद, ओके, काम करता हूँ मैं, एक के नीचे एक ले लेता हूँ तो आपको देखने में जो है आसानी रहेगी, ओके, सेंटर कलर, ओके, उसके बाद एंड कलर, एंड कलर हम दे देते हैं कलर प्राइमरी डार्क, ओके। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें ये व्हाइट कलर नहीं चाहिए तो हमें यहाँ से सेंटर कलर को हटा देंगे, ओके, तो यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है, इस साइड थोड़ा सा डार्क, इस साइड थोड़ा सा लाइट। उसके बाद एंगल भी चेंज कर सकते हैं हम, एंगल एट्रीब्यूट देके,
अब एंगल का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 45 का होता है, यानी कि हम 0 दे सकते हैं, या फिर 45 दे सकते हैं, या फिर 90 दे सकते हैं। इस तरीके से, तो अगर मैं 90 देना चाहता हूँ तो यहाँ पे 90 दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर डार्क है, नीचे लाइट है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम दे देते हैं -90। ऊपर लाइट, नीचे डार्क। यहाँ पे एंगल हमने सेट कर लिया। उसके बाद जो है हमें क्या चाहिए, मेन चीज यहाँ पे कॉर्नर जो है वो हमें राउंडेड चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है कॉर्नर्स एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, कॉर्नर्स। अब यहाँ पे हम जो है हर एक कॉर्नर का इंडिविजुअली भी जो है रेडियस सेट कर सकते हैं, और सबके लिए कॉमन भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन सेट करने वाले हैं, तो सिंपली रेडियस एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम डीपी में दे देंगे 5 dp, या फिर 10 दे देते हैं, 10 dp। कॉर्नर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 dp यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर्स हो चुका है। और अगर थोड़ा सा ज्यादा देना हो तो 20 कर देते हैं। अब सही है, 20 dp। उसके बाद अगर हमें स्ट्रोक देना हो, बॉर्डर, तो यहाँ पे स्ट्रोक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, स्ट्रोक। कलर, कलर हम दे देते हैं कलर एक्सेंट, और यहाँ पे स्ट्रोक विड्थ भी देना होता है तो विड्थ हम दे देते हैं 2 dp। तो इतना काफी है। तो यहाँ पे हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फाइल हमने जो है बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया है। अब हमें सिंपली इसे सेट करना है। तो हम आ जाएंगे हमारे डिजाइन फाइल पे। टेक्स्ट टैब पे चलते हैं, इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे बैकग्राउंड अब हम सेट कर देंगे एट ड्रॉएबल। ये रही हमारी फाइल राउंड बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम जो है यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर हम अगर कम कर देंगे तो यहाँ कम हो जाएगा, लेकिन ये वैसे अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पे हमने जो है हमारा बैकग्राउंड सेट कर लिया है। अब अगर यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड का कलर अगर चेंज करना हो, अब हर एक फाइल के लिए आप सेम अलग अलग हर एक जगह पे ये बैकग्राउंड देने के लिए, ये शेप का बैकग्राउंड देने के लिए हम हर जगह तो जो है इसका न्यू न्यू फाइल क्रिएट नहीं करेंगे। तो सिंपली हमें अगर कलर चेंज करना हो इसका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड टिंट। इसका यूज करेंगे बैकग्राउंड टिंट। और यहाँ पे अगर मैं कोई और कलर सिलेक्ट कर लूँ, जैसे कि कलर एक्सेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कलर एक्सेंट हो चुका है। क्योंकि हमारा टेक्स्ट व्हाइट कलर का है इसलिए हमें शो नहीं हो रहा है। कलर एक्सेंट की जगह एक काम करता हूँ, कलर कोड देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी जो है वो सेम हो जाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं कोई कस्टम कलर दे देता हूँ यहाँ से, चूज, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैग जो बॉर्डर का कलर है वो भी चला गया है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बॉर्डर का चेंज करना चाहते हैं तो आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो टिंट का यूज करके हम जो है सेम बैकग्राउंड को जो है कलर चेंज कर सकते हैं। टिंट की मदद से। तो अभी हम यहाँ से टिंट हटा देते हैं, और अब एक और चीज हमें सीखनी है, शेडो देना। शेडो इफेक्ट कैसे देते हैं, तो सिंपल है काफी। एक एट्रीब्यूट हमें ऐड करना होता है, एलिवेशन। एलिवेशन हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और यहाँ पे मैं देता हूँ 3 dp। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शेडो जो है वो आ चुका है। आप देख सकते हैं 3 dp मैंने दिया है। अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो काफी ज्यादा हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 8 dp। तो अभी कुछ ज्यादा ही हो चुका है शेडो हमारा। तो एक काम करते हैं, इसे दे देते हैं हम वापस से 3 dp, या फिर 4 5 dp कैसा रहेगा, 5 भी ज्यादा है, 4 भी ज्यादा है, 3 अच्छा लग रहा था, 3 dp। 3 dp हमने शेडो दे दिया। तो यहाँ पे हमने जो है शेडो भी दे दिया, और इस पे जो है हमने बैकग्राउंड भी सेट कर लिया। अब थोड़ा सा कोडिंग कर दें, थोड़ा सा एकदम। उसके बाद फाइल को रन करेंगे, तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे आ जाते हैं हमारी कोडिंग की फाइल पे। और यहाँ पे हम बटन के क्लिक पे पहले क्या करते थे, हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करते थे, और बैकग्राउंड जो सॉरी टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज करते थे। तो ये दोनों को तो ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज करेंगे हम, हमारा जो बैकग्राउंड का जो टिंट है वो हम चेंज करेंगे। क्या जाते हैं हम, जैसे ही यूजर बटन पे प्रेस करे तो ये तो जो है बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट का साइज, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाएगा। और हम साथ में क्या करेंगे, हमारा जो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड टिंट सेट करेंगे इसमें। यानी कि ये पिंक की जगह हम कोई और कलर सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें टारगेट करना है सिंपली हेलो वर्ल्ड।
डॉट सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट। ओके, अब यहां पे सेट बैकग्राउंड टिंट लिस्ट का यूज करना पड़ता है टिंट देने के लिए, और कलर स्टेट लिस्ट ओके डॉट वैल्यू ऑफ, और यहां पे अब जो है सिंपल गेट रिसोर्सेस डॉट गेट कलर, और यहां पे हम कलर दे देंगे आर डॉट कलर डॉट कलर एक्सेंट। ओके, तो व्हाइट हो जाएगा, जैसे बटन प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट हो जाएगा। ओके, तो अब इसे रन करके देखते हैं ओके कैसा इफेक्ट आता है। तो मैं अपना डिवाइस कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, और यहाँ पे जो शेडो है वो काफी अच्छा लग रहा है ओके हेलो वर्ल्ड पे। ओके, अब जैसे मैं इस पे हेलो एवरीवन पे क्लिक करूंगा तो इसका जो कलर है ये पूरा व्हाइट हो जाएगा, और टेक्स्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब इस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है। ओके, शेडो काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर भी चेंज हो चुका है। ओके, तो ये काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने सीख लिया है कि हम कैसे खुद की बैकग्राउंड फाइल क्रिएट करके हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं कस्टम, और शेडो इफेक्ट कैसे देते हैं वो भी हमने सीख लिया है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।